नीरज चौधरी, नीरज चौधरी पूरा नाम नीरज सी चौधरी, बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1999, ठीक है। 1897 में बर्थ हुआ था, 1999 में डेथ हुई, और ये जो है इंडियन इंग्लिश के बहुत ही वेल नोन राइटर हैं एंड इन्होंने बहुत सारी वर्क्स लिखे इन किन लैंग्वेजेस में, इन इंग्लिश एंड बंगाली। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दिस राइटर रिलेटेड टू विच लैंग्वेज, जैसे बादल सरकार के विषय में क्वेश्चन पूछा गया था, मींस कि वो मिक्स क्वेश्चन था, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, ठीक है, इनको मिला करके मैचिंग के लिए आया था कि किस लैंग्वेज से ये रिलेट करते हैं, ठीक है। बादल सरकार बंगाली, विजय तेंदुलकर मराठी एंड गिरीश कर्नाड कन्नड़, तो इसी तरह से ऐसा इनके नाम के साथ भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया कि दो लैंग्वेजेस ने लिखा है इन्होंने, दैट इज इंग्लिश एंड बंगाली, ठीक है। और इनका जो वेल नोन वर्क है वो है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, पब्लिश कब हुआ, 1951 का पब्लिकेशन है, और ये इनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन, ये इनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा दैट इज अ पैसेज टू इंग्लैंड 1959 एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइसिस 1965, द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया 1967 एंड फिफ्थ इज टू लिव आर नॉट टू लिव, दैट इज 1971। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है, पब्लिकेशन 1951, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज सी चौधरी, रिटन व्हेन ही वाज अराउंड 50, ठीक है, जब इनकी एज 50 की थी लगभग, उस समय उन्होंने लिखा था, एंड इट रिकॉर्ड्स हिज लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ इन 1897 इन किशोरगंज, अ स्मॉल टाउन इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश, जो इनकी रियल बर्थ है, ओरिजिनल बर्थ है, वो आज बांग्लादेश में पड़ता है। कब पैदा हुए थे, 1897 में। द बुक रिलेट्स हिज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, द बुक रिलेट्स हिज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पहली बात क्या है, इनका जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड हिज लाइफ एंड ग्रोथ इन कलकत्ता, और कलकत्ता में जो इनका बचपन है वो कैसे कैसे ग्रो करता है, एंड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ वैनिशिंग लैंडमार्क्स, द कनेक्शन ऑफ दिस इज ड्यूअल चेंजिंग इंडिया सिचुएशन एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस दैट वाज मेकिंग एग्जिट ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया एंड इमिनेंट अफेयर, ठीक है। तो इन्होंने अपने बारे में लिखा ही, साथ में उन सारी कंडीशंस के विषय में लिखा, उस चेंजिंग इंडिया के बारे में लिखा, दैट मेक्स दैट फोर्सेस ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया, उन सारी कंडीशंस सिचुएशन और बदलते हुए भारत के, ठीक है। एंड दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू फोर बुक्स, चार बुक में ये वर्क जो है डिवाइडेड है, चार पार्ट में, एंड ईच ऑफ व्हिच कंसिस्ट्स प्रीफेस, ठीक है, सब में क्या है, प्रीफेस है एंड फोर चैप्टर्स, ठीक है, मींस कि चार पार्ट में है और हर एक पार्ट में एक प्रीफेस और चार चैप्टर है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट बुक है उसका जो टाइटल है दैट इज अर्ली एनवायरमेंट, एंड इसमें जो फोर चैप्टर्स हैं वो है माई बर्थ, माई बर्थ प्लेस, माई एंसेस्ट्रल प्लेस एंड माई मदर्स प्लेस एंड इंग्लैंड, ये फर्स्ट बुक का चार पार्ट है। इसके आगे इन्होंने और चीजें डिटेल में की हैं, कैसे इंडिया बदला और कैसे जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन इज दैट नीरज चौधरीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन कंक्लूड्स विद एन एसे ऑन द कोर्सेस, सॉरी ऑन द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, but in the penultimate
penultimate chapter, Chaudhary concludes the account of even his life. How does this narrative end? ये narrative end कैसे होता है? इनकी जो autobiography है उसका end कहाँ होता है? ये question है. Answer is that option number 2. Chaudhary obtains a job in the military accounts department and gives it up because he finds it soul destroying. ठीक है, जो इसकी ending होती है, ending क्या है? ये military के accounts department में military was that is British military in India. ठीक है, वहां पर वो नौकरी पाते हैं और उस नौकरी को छोड़ देते हैं बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि वो ब्रिटिशर्स की जॉब करना दैट इज सोल डिस्ट्रॉयिंग, अपनी आत्मा को बेचने जैसा है, अपनी आत्मा को बर्बाद करने जैसा है. ऑप्शन नंबर